एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमने निकालनी है भिन्न, तो मान लेते हैं भिन्न। माना भिन्न हमारे पास है एक्स बटे में वाई। जो एक्स है उसको कहते हैं हम अंश, और वाई है उसे हम कहते हैं हर। यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली क्वेश्चन बनाते हैं। भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी कि 1/3 हो जाती है जब हम अंश में 1 घटा देते हैं। अंश हमारे पास है एक्स, तो एक्स में हमने 1 घटा दिया है, हर को हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है। वह हमने ऐसे कैसे लिखा है, फिर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वह 1/4 हो जाती है, यानी कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। हर के अंदर हम जोड़ते हैं 8, अंश को हम छेड़ते भी नहीं हैं। एक्स बटे में वाई जमा 8, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास पहली है, ये हमारे पास है दूसरी। कर लेते हैं सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3, इस पूरी वैल्यू से गुना होगा 3x माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर 1 को गुना करेंगे y से तो मेरे पास आ जाएगा y। तो 3x माइनस का y माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर हमारे पास है पहली। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास 4x हो जाएगा, 1 को गुना करेंगे इस पूरी वैल्यू से तो y प्लस 8 हो जाएगा। तुम्हारी वैल्यू होगी 4x माइनस का y माइनस का 8 बराबर है 0। इक्वेशन नंबर दूसरी। इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि हम इस्तेमाल करेंगे वर्ज गुणन विधि का। गुणन विधि, इक्वेशन नंबर पहले हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर है 0, 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर है 0। इक्वेशन नंबर पहली, इक्वेशन नंबर है दूसरी। तुम्हारा वैल्यू है a1 a2 b1 b2 c1 c2 की, तो ये लिखते हैं हम x y और 1। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू लिखी जाती है b1 b2 की, यानी कि -1 है, ये भी -1 है। यहाँ वैल्यू लिखी जाती है c1 c2 की, माइनस का 3 और माइनस का 8। यहाँ पर वैल्यू लिखी जाती है a1 a2 की, ये 3 है और यहाँ पास है 4। यहाँ पर वैल्यू लिखी जाती है b1 b2 की, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी -1। अब कर लेते हैं सॉल्व। एक्स वाई और 1 लिखेंगे, बटे में जगह छोड़ेंगे, सभी के आगे लगा देंगे हम बराबर। अब वैल्यू को कर लेंगे सॉल्व। माइनस 1 को गुना करूँगा -8 से, माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। फॉर्मूले के अंदर होता है मेरे पास है माइनस, माइनस माइनस को गुना करूँगा तो प्लस हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 3। माइनस को 3 को गुना करूँगा 4 से, 4 3 12, माइनस का 12। माइनस फॉर्मूले के अंदर है, माइनस 8 को गुना करूँगा 3 से तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 24। 3 को गुना करूँगा माइनस 1 से तो माइनस का 3 आ जाएगा, फॉर्मूले में माइनस है, ब्रैकेट लगा देते हैं। 4 को गुना करूँगा माइनस 1 से तो मेरा माइनस का आ जाएगा 4। एक्स बटे में मेरा आ जाएगा 5, वाई बटे में माइनस का 24, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 12 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 24। 1/3 में माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर आएगा 4। तो वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स बटे में 5, वाई बटे में 12, 1/1। हमें दो वैल्यू बराबर लेनी है तो हम वैल्यू ले लेते हैं इन दोनों की एक साथ और इन दोनों की एक साथ, बीच में खींच देते हैं हम लाइन। तो एक्स बटे 5 बराबर है मेरे पास 1, और वाई बटे 12 बराबर मेरे पास है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की वैल्यू आती है 5, वाई की वैल्यू आती है हमारे पास 12, यानी कि हमारा भिन्न आ गया है 5/12। तो हम अपनी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि ऊपर थोड़ी सी जगह नहीं है। तो भिन्न बराबर हमारे पास हो जाएगा x/y, यानी कि 5/12। दोस्तों यही है आपका उत्तर।